में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कंपनी का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं ये आप लोगों को ये बताऊंगा कि कंपनी के निर्माण से क्या आशय है। तो कंपनी का आशय वैधानिक रूप से कंपनी को अस्तित्व में लाना और व्यापार योग्य बनाना। चूंकि कंपनी एक वैधानिक संस्था है, ये कानून द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है और कानून ही द्वारा इसका समापन होता है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति की स्थापना या कृत्रिम व्यक्ति का निर्माण स्वतः या आकस्मिक नहीं हो जाता है, बल्कि एक कंपनी की स्थापना करने के लिए लंबी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है। तो एक कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी को स्थापित करने के लिए ये चार स्टेजेस इसके हैं, चार अवस्था हैं। पहली अवस्था है फर्स्ट स्टेज प्रवर्तन अवस्था, सेकंड समामेलन अवस्था, तीसरा है पूंजी प्राप्ति अवस्था, चौथा है व्यवसाय प्रारंभ अवस्था। तो मैं आज आप लोगों को बच्चों डिटेल में प्रवर्तन अवस्था बताऊंगा। कंपनी का प्रवर्तन, प्रमोशन ऑफ कंपनी, कंपनी का प्रवर्तन क्या है, कंपनी का प्रवर्तन किसे कहते हैं, कंपनी का प्रवर्तन कंपनी के निर्माण की पहली सीढ़ी है। किसी कंपनी को सबसे पहले किसी कंपनी को स्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के मस्तिष्क में विचार आते हैं, पहले कल्पना किया जाता है, पहले विचार आते हैं, उसके बाद व्यापारिक अवसरों के खोज हेतु या खोज के लिए जांच पड़ताल की जाती है, योजना बनाई जाती है और पूंजी कहां से लिया जाएगा इसकी खोज की जाती है। व्यवसाय कंपनी को स्थापित करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए मशीन लेबर ये कहां से लिया जाएगा। तो कंपनी की प्रवर्तन के बाद ही एक कंपनी की स्थापना होती है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के प्रवर्तन के बाद ही एक कंपनी की स्थापना होती है। मैं आप लोगों को बच्चों ये बताने जा रहा हूं कि प्रवर्तन की अवस्थाएं क्या क्या है, एक कंपनी का प्रवर्तन के लिए क्या क्या आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला ये है कि नए व्यवसायिक अवसरों की खोज। किसी भी काम को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार विचार होते हैं। सबसे पहले व्यावसायिक अवसरों की उसकी प्रारंभिक जांच पड़ताल की जाती है और प्रारंभिक उसकी जांच पड़ताल की जाती है सबसे पहले। उसके बाद जो है कि जो हम कंपनी स्थापित करने जा रहे हैं उसका भविष्य में उससे लाभ होगा या हानि होगा, फिर ये हम अनुमान लगाएंगे कि उसका जो माल हम बनाने जा रहे हैं, जो माल को हम जिस जो वस्तु का हम कंपनी स्थापित करने जा रहे हैं वो भविष्य में उसका डिमांड क्या होगा, उसकी मांग क्या होगी। दूसरा हम ये करेंगे विस्तृत जांच पड़ताल, प्रारंभिक अनुसंधान के बाद हम जांच पड़ताल करेंगे। हम जांच पड़ताल करेंगे कि हमारा जो है व्यवसाय जो है किस स्थान पे रहेगा, व्यवसाय का क्षेत्र कहां होगा। तीसरा इसमें ये हम करेंगे कि विभिन्न साधनों को एकत्र करेंगे कंपनी को चलाने के लिए। मशीन की आवश्यकता होगी, लेबर की आवश्यकता होगी, पूंजी की आवश्यकता होगी। इन साधनों को एकत्र करने के लिए हम अनुबंध करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे हम, और कहां कहां से हम लेंगे, पूंजी कहां से प्राप्त करेंगे, लेबर कहां से लेंगे,
इन इन साधनों पे भी हम विचार करेंगे। चौथा है वित्त व्यवस्था करना। वित्त का अर्थ है पूंजी से, पूंजी व्यापार का या किसी भी कंपनी का रक्त होता है। एक कंपनी को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी हम अंशों को जारी करके प्राप्त कर सकते हैं, ऋण पत्र को जारी करके प्राप्त कर सकते हैं। और पांचवा यह है समामेलन। समामेलन का अर्थ है पंजीकृत रजिस्टर्ड कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना। तो एक प्राप्त कर सकते हैं, ऋण पत्र को जारी करके प्राप्त कर सकते हैं। और पांचवा यह है समामेलन। समामेलन का अर्थ है पंजीकृत रजिस्टर्ड कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना। तो एक कंपनी को समामेलन करने के लिए या रजिस्ट्रेशन करने के लिए, पंजीकृत करने के लिए स्टैंप फीस का भुगतान करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना पड़ेगा, बहुत से जो है पेपर तैयार करने पड़ेंगे, पार्षद सीमानियम तैयार करना पड़ेगा, पार्षद अंतरनियम तैयार करना पड़ेगा, तमाम ये सब पेपर रजिस्ट्रार के पास जमा करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को बच्चों बताने जा रहा हूं कंपनी का प्रवर्तक। कंपनी का प्रवर्तक किसे कहते हैं? तो प्रवर्तक कंपनी का जन्मदाता होता है। किसी भी प्रवर्तक जो है किसी भी कंपनी का जन्मदाता यही होता है। प्रवर्तक जो कंपनी के जन्मदाता होते हैं उसे प्रवर्तक कहते हैं। प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो जिसके मस्तिष्क में पहले विचार आते हैं, योजनाएं बनाता है, फिर जो है उसके योजनाएं बनाता है, सामग्री को जुटाता है, मशीन ले आता है, पूंजी इकट्ठा करता है, श्रम की व्यवस्था करता है, लेबर ले आता है, प्रारंभिक व्यय अपने यहां से करता है और व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, उस व्यक्ति को प्रवर्तक कहते हैं। अब ये बच्चे जो है दूसरा जो है कल मैं आप लोगों को दूसरा लेक्चर में समामेलन बताऊंगा।